आप लोग का सोजबोज ऐसा हो सकता जे शिवजी महाराज साक्षात परमेश्वर न क्या क्या विचार आपका? शिवजी महाराज परमेश्वर क्या बोलिए ना, आपका विचार क्या? परमेश्वर शिवजी महा परमेश्वर। अच्छा तो ब्रह्मा क्या बोला? सृष्टि का पहला जीव पता है कौन? सृष्टि का पहला जीव कौन है पता है तुम्हारा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? कौन? भगवान का रजोगुण मूर्ति। भगवान भगवान कौन? भगवान शब्दों का मतलब क्या पता है? भगो मतलब ईश्वर, बान मतलब मालिक। ये घर का मालिक कौन? प्रेम कुमार न क्या? ये घर का मालिक कौन? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार बोल सकता, हम लोग बोल सकता प्रेम कुमार मालिक है, लेकिन सारा दुनिया का मालिक कौन? भगवान। इसलिए भगवान भी ये घर का मालिक, भगवान भी ये घर का मालिक। पहले सोचना चाहिए परमेश्वर भगवान कौन? आपका सोचबोझ तो है शिवजी महाराज ना क्या? लेकिन ब्रह्मा क्या बोल रहा? ब्रह्मा उनका किताब में उन्होंने लिखा, किताब लिखा ब्रह्मा, ब्रह्म संहिता। नाम सुना कभी दिन? किताब का नाम सुना? बोलिए ना, किताब का नाम कभी दिन सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जिन्होंने कृपा करके हम सब कहीं पे लेके आया, ब्रह्मा जी सृष्टि किया कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा जी आपका भी सृष्टि किया, हमको भी सृष्टि किया, सारा दुनिया में जितना जीव है जिनके अंदर जान है सबको सृष्टि करने वाले कौन? ब्रह्मा। कैसे किया? भगवान का आदेश से किया। तो भगवान है, अभी प्रश्न है एक, भगवान कौन है? कौन? तो ब्रह्मा जी बोला सृष्टि में पहला जन्म दिया भगवान, जन्म दिया किसको? तो ब्रह्मा को। कहां से? कहां पे? कमल का फूल से। कमल का फूल का अंदर में, वो कमल का फूल कहां से आया? गर्भदक्ष महाविष्णु का नाभि से कमल का नाल उठा। ये नाल जहां पे विराजमान है उनका सत्य लोक कहलाता, हम लोग जहां पे विराजमान है इनका भूलोक कहलाता। भू ऊपर में क्या? भूव भूवलोक, स्व स्वर्गलोक, मोहलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, सात लोक ऊपर में है और सात लोक नीचे में है। तल, अतल, बीतल, तलातल, सुतल, रसातल, पाताल, सात लोक नीचे में, चौदह लोक सब माया द्वारा रचित, सब कुछ माया का लो मन, माया द्वारा सृष्टि हुआ। जो सृष्टि किया भगवान ये सब माया। माया का मतलब क्या? माया का मतलब जो साक्ष नहीं। अभी पूछा कि प्रेम कुमार
आप लोग का सोचबोच ऐसा है प्रेम कुमार एक घर का मालिक, लेकिन असली मालिक कौन बोला? असली मालिक हम क्या बोला? भगवान। दिमाग से भगवान का हटा दिया। क्यों? इस दुनिया में हम लोग सब है, ये दुनिया माया का दुनिया, भगवान इस पार और माया इस पार, बीच में हम लोग सब है। अब माया का फंदा में फंस के हम लोग सब माया को साच समझ लगा, ये साच है, लेकिन सच तो नहीं, कुछ सच नहीं। आज जो जिनका मम्मी बोल रहा, वो मम्मी शरीर छोड़ के जो बेटा का जो पत्नी माने बहू का कोख में आ गया, वही आत्मा बेटा, वही आत्मा जो बेटा रूप से कि बेटी रूप से जन्म लेगा अपना पत्नी का कोख से, तो क्या बोलेगा? मम्मी बोलेगा? मम्मी तो नहीं बोलेगा, बेटी बोलेगा और बेटा आयर से बेटा बोलेगा। जो संबंध आज हमारा साथ है, वो संबंध शरीर छोड़ने के साथ साथ बदल जाता, हमेशा के लिए साच नहीं। शरीर जब तक है तब तक हमारा सोच बोझ हो सकता है, ये हमारा मम्मी है, ये हमारा चाची है, ये हमारा दादी है, ये हमारा दादा है, लेकिन शरीर बदल गया, सब कुछ बदल गया। ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। एक लोगों का नाम सुनिए, नारायण सेठ। हम एक दृष्टांत तो दे रहा, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, सुनिए अच्छी तरफ से। आइए 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 आइए, उनको बोला तो आपको पता, सबको आइए आइए। नारायण सेठ, क्या नाम बोला? नारायण सेठ, बहुत अमीर आदमी है, पांच बेटा है, पांच बेटा को बड़ा बड़ा बिजनेस करवा दिया, अपना कमाई से बड़ा बड़ा बिजनेस, और 20 करोड़ रुपया को दे दिया, 20 करोड़ रुपया इकट्ठा दे दिया। बुढ़ापा आ गया, शरीर छोड़ दिया नारायण से, तो फिर से कर्म का फेर में फिर से जन्म हुआ। पास में जो गांव है, गांव में जन्म हुआ, बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ, अभी तो अमीर थे, अगले जन्म में बहुत गरीब परिवार में, जो जिनके पास घर नहीं, फुटपाथ पे रहने वाला। लेकिन नारायण से अगली बार जा करके जब जन्म लिया गरीब परिवार में, उनका पिछली जन्म का पूरा पता है, याद आ गया, जाति सर कहलाता। जिनका पिछली जन्म का पूरा पता चलेगा छोटा उम्र में, उनका क्या बोलता? जाति सर बोलता ना, जो पिछली जन्म का पूरा याद कर सकता। तो छोटा गरीब परिवार में जन्म लिया, 2-3 साल उम्र हुआ, बात कर सकता, मम्मी पापा को बोल रहा हम पिछले जन्म में नारायण सेठ थे। अरे तो बहुत बड़ा अमीर लोग, बकवास मत करो। तो बोला अभी जो मम्मी पापा मिला नया वाला, मम्मी पापा जो छोटा रूप से 2-3 साल उम्र अभी हुआ, उनका बात कर सकता, बोल रहा हाँ हाँ मम्मी हाँ, पिछले जन्म में वही नारायण सेठ थे, अभी हमारा कर्म का फेर अनुसार हमारा जन्म यहीं पे हुआ, आपका घर में जन्म हुआ, गरीब हो गया,
हाँ हमारा पांच बेटा है, बेटा का नाम ऐसा 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 सब बता दिया। हमको लेके चलो जो कुछ और उनके पास अभी है सब हम बना के दिया था। हम जब शरीर छोड़ दिया बोला कि जे वो लोग हमारा शरीर को शरीर का चारी तरफ में बैठ के शरीर का चारी तरफ में बैठ के बहुत रो पड़े। बोला पिताजी आप क्यों हम सबको छोड़ के चला गया, आपका बिना हम कैसे रहन सहन कर सकता, ऐसा बोल के रोया। हमारा पता है मम्मी अभी जो मम्मी पापा मिला उसके बाद माता पिता को बोला देखो ऐसा जब माता पिता माने पापा हमारे लिए रो पड़े तो हमारे लिए तो रो पड़े नहीं हमारा आत्मा के लिए रो पड़े। जब शरीर रूप से विराजमान थे उनके बीच में हमारा मृत शरीर उनका बीच में थे लेकिन सब लोग हमारा शरीर का चारी तरफ में बैठ के इस प्रकार रोते रोते बोले बोला मतलब क्या वो लोग हमारा शरीर के लिए रोआ नहीं आत्मा के लिए रोआ था। अभी वही आत्मा हम इस प्रकार आपका घर में जन्म लिया 3 साल उम्र तो हो गया हमारा हम जो उनको सब कुछ सारा चीज बता देगा वहीं पे और हम आधा हिस्सा मंगा लेगा। अभी आपका गरीब रह ही नहीं रह देगा आपका पूरा आप भी अमीर हो जाएगा बेटा को हम बता देगा हमको लेके चलो उसी गांव में नारायण सेठ का परिवार में जो हम थे पिछले जन्म में। घर में आया करके पत्नी को देख के बोला भाई आप तो हमारा पत्नी थे मैं आपका पति थे। बेटा को बोला सब ठीक ठाक था तो जो जो को जिनका जिनका जो जो कारोबार मैंने बिजनेस दिया सबका बिजनेस का नाम करते करते बोल रहा है तुम्हारा वो बिजनेस ठीक चल रहा तो वो बिजनेस ठीक चल रहा तो सबको सही रूप से पता चल गया ये हमारा पापा आ गया पूरा बात बोल रहा। उसके बाद बोल रहा बोला कि ये हमारा तुम्हारा पास जो कुछ अभी है सब हम बना के आप लोग को दिया आधा हिस्सा हमको दे दो देगा देगा। पहले आत्मा के लिए रो पड़े आज वही आत्मा अलग रूप से आकर के बोलने लगे आधा हिस्सा हमको दो लेकिन ठोका मार दिया इस ऐसा नाम माया इनका नाम माया। क्या बोला माया मतलब जो साच नहीं रिश्ता साच नहीं जो रिश्ता हम हमारा साथ है वो रिश्ता साच नहीं हमेशा के लिए नहीं जब तक हमारा शरीर है अच्छा अच्छा चीज है अच्छा अच्छा सब लेना देना है तब तक है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो इसी शरीर में देखो रिश्ता टूट गया। इसलिए जो कुछ देख रहा अभी सब क्या बोला माया। ब्रह्मा को भगवान इस प्रकार माया का जगत में जीव सृष्टि करने के लिए बोला। हम लोग कौन जीव मनुष्य शरीरधारी जीव गाय बोलो भैंसा बोलो
कीड़ा बगड़ा बोलो, पेड़ पौधा बोलो, जो पक्षी बोलो, जलचर पानी बोलो, सबको सृष्टि कराने वाले कौन? ब्रह्मा। लेकिन भगवान का आदेश से किया। देखो पहला जब जो गर्भदक्षय महाविष्णु का नाभि कमल से, नाभि से कमल का नाल उठा, वो नाल 14 लोक हुआ। सबसे ऊपर में कमल का फूल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अभी प्रश्न ऐसा है, गर्भदक्षय महाविष्णु कहां से आया? व्यास देव नाम सुना, महामुनि वेद व्यास नाम सुना, महामुनि वेद व्यास नाम सुना, महाभारत देखा? महाभारत में सत्यवती माता का बेटा का पहले बेटा का नाम क्या बोलिए ना? सत्यवती माता, सत्यवती माता जिनका बेटा का नाम विचित्र बीर्ज, नाम उनका, उनका मम्मी का नाम क्या? सत्यवती। शादी होने के पहले पराशर मुनि के द्वारा उनका और एक बेटा हुआ था, वही बेटा का नाम महामुनि वेद व्यास। नाम सुना? सुना सुना था महामुनि वेद व्यास। लिखा क्या? वेद को भाग किया। पहले वेद एक था, ऋग वेद था, साम जजु अथर्व तीनों भाग करके टोटल 4 वेद हुआ। क्या बोला? रेक। बोलिए 4 वेद का नाम पता है? रेक, शाम, जजो, अथर्व। ए कहा जा रहा? बैठो ना, कहा जा रहा? बैठो। कुमार छोटा है, सुनोगे तो अच्छा होगा ना? यही तो खेल हो गया। आज का दिन में मुसलमान लोग देखो, एक लोग थोड़ा आवाज उठाएगा तो, कोई मुसलमान धर्म का खिलाफ कुछ बता दिया तो सब लोग खड़ा होकर के पीछे पीछे भागेगा। आज आज हमारा हिंदू लोग ऐसा क्यों नहीं? घर में माता पिता शिक्षा नहीं देता, इसलिए उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता। हिंदू का कुछ हो गया, मुसलमान लोग मार दिया तो मार दिया, ऐसा विचार आता। बांग्लादेश नाम सुना? बांग्लादेश नाम सुना? क्या हुआ? देखा खबर? देखा क्या हुआ? मारा पीटा, क्यों किया? घर जला दिया, क्यों दिया? वो लोग जानबूझ के किया। आज माता पिता शिक्षा नहीं देता, माता पिता सोचने लगे जे हमारा बेटा स्कूल जाके पढ़ाई करके बाहर जाके कमाएगा, ऐसा सोच बूझ है। इतना तो कमाया, इतना घर तो बनाया, कोई है तुम्हारे घर में? कौन रहेगा इसी घर में? देखो जो बोल रहा, तुम दिमाग से सोचो। सबको सिखाना चाहिए, पहले सोच, पहले सबको जानकारी करो, सबको जानकारी करो, उसके बाद तुम्हारा बेटा को बेटी के सिखा सकता। अच्छा धर्म है हमारा हिंदुस्तान का धर्म, सबसे बड़ा धर्म भारत भूमि, धर्म भूमि। लेकिन आज भारत भूमि में धर्म पीछे चला जा रहा, पीछे हट रहा, पीछे चला जा रहा। क्यों? गलती किसका? माता पिता का। माता पिता का पता नहीं,
धर्म का बारे में बेटी बेटा को शिक्षा दे नहीं दे रहा। इसीलिए बेटी बेटा आज का दिन में क्या हुआ, धर्म का खिलाफ हो गया, धर्म कटते। लेकिन छोड़ दो ना, वो लोग आ गया तो वो अपना बैठ जाएगा। यहीं पे पहला कदम है कि कथा सुनने के लिए आया, कथा का बीच में सब नजदीक में आ जा, हमारा कथा हमारा बात सुनाई दे रहा कि पूरा रूप से जी जी ठीक है सुनिए। इसलिए बोल रहा महामुनि वेदव्यास क्या लिखा, वेद को चार भाग किया, 18 पुराण लिखा, जो पुराण लेकर के हम लोग बोला ये शास्त्र है। 100 से ऊपर उपनिषद लिखा, 100 से ऊपर उपनिषद। नाम सुना कभी दिन पुराण उपनिषद? नाम सुना कभी दिन? नाम सुना? मम्मी कहाँ पे, मम्मी कहाँ पे तुम्हारा, सुना है नहीं? सुनिए, 100 के ऊपर महामुनि वेदव्यास उपनिषद लिखा, 18 पुराण लिखा, और सब पुराण वेद पुराण उपनिषद का सार कौन, श्रीमद् भागवतम। नाम सुना कभी दिन? नाम सुना? नाम सुना? नाम सुना? श्रीमद् भागवतम कौन लिखा? महामुनि वेदव्यास। श्रीमद् भागवतम में बोल रहा कृष्ण, क्या बोल के बोला, कृष्ण स्वयं भगवान इति चांश कला पुंश कृष्णस्तो भगवान स्वयं। क्या बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान परमेश्वर भगवान कौन, कृष्णा, कृष्णा शरीर से पहला चार भाग किया, चार मूर्ति आया। पहला मूर्ति वासुदेव, क्या बोला, पहला मूर्ति वासुदेव, दूसरा मूर्ति शंकरशन, तीसरा मूर्ति प्रद्युम्न, चौथा मूर्ति अनिरुद्ध। नाम सुना, वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न अनिरुद्ध। राम जी का यहीं पर बहुत लोग राम जी का भक्त है, राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी कौन है, वो स्वयं भगवान कृष्ण का शरीर से चार मूर्ति निकला, वासुदेव हुआ रामचंद्र, शंकरशन हुआ लक्ष्मण, भरत हुआ प्रद्युम्न, आर शत्रुघ्न हुआ अनिरुद्ध। देखो शंकरशन मूल भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने के लिए शरीर को पांच भाग किया। पहला भाग कर्णदक्षे महाविष्णु, क्या नाम बोला, कर्णदक्षे महाविष्णु, वो आंखों डाला कहां पे, माया का ऊपर, भगवान इस पार माया इस पार, भगवान माया का ऊपर दृष्टि देकर के माया जगत सृष्टि किया। पहले जो बोला 14 लोक भगवान सृष्टि किया, उसके बाद जगत में जीव सृष्टि करने के लिए वो शरीर से और एक मूर्ति आया, उनका नाम गर्भोदक्षाई महाविष्णु। क्या बोला, गर्भोदक्षाई महाविष्णु, उनका नाभि से जो कमल का नाल उठा, कमल का ऊपर जो है कौन है, ब्रह्मा, वही ब्रह्मा
सृष्टि का पहला जीव, क्या बोला? सृष्टि का पहला जीव वो क्या बोला? पहले तो देखा जल और जल और सागर 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 का लाइन, कोई तो नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करने के लिए हमारा जन्म हुआ पता नहीं चल रहा। तो जब पता नहीं चल रहा, सागर का लाहिर से एक शब्द आया उनका कान में आया, क्या ना, क्या? तपो तपो तपो, तपस्या करो तपस्या करो, तपस्या करने लगे। उसी समय भगवान उनको कुछ सुनाया, बताया क्या सुनाया था? ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहानागदितं मया यावानहं जता भाव यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्त्व विज्ञान मस्तु ते मदनुग्रहात् ओमेवाश्वमेवाग्रे नन्नज्जत् सदसत् परम् पश्चादहं जदेच्चो यो वशिष्यते शिष्यम् रित्यर्थं यत् प्रतियेत न प्रतियेत चात्मनि तद् विद्वात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चर्वचिष्मनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेवश्यम् एतावदेव जिज्ञासां तत्त जिज्ञासनदमन् अन्मयो व्यतिरेकभ्यं यत्सत् सर्वत्रो सर्वदा एतन्मातं समातिष्ठा परो मेना समाधिना भवन कल्प विकल्पेशो न विमक्षति करे चेत। ये शब्द बोलो, ये अर्थ क्या? भगवान बोल रहा ब्रह्मा को, सुनो हम तुमको ज्ञान दे रहा, बहुत गुज्ज ज्ञान, रहस्यमय रहस्य भी है। तो सुनिए, बच्चे को खेलने दो और बाहर में खेलने दो। देखो एक कथा, एक कोई सोशल फंक्शन में नहीं आया, कथा सुनाने के लिए मैं आया। क्यों आया? आज का दिन में देखा हिंदुस्तान में ही अभाव हो गया, घर में धर्म चर्चा नहीं, धर्म का मतलब क्या पता नहीं। धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब हमारा परिचय का आत्मा, आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव होता, वही आत्मा का धर्म होता। आविक साउंड सिस्टम है ठीक है, वो तो खत्म होने वाला, चल कर जो भी हो सुनिए। ये तो अब तो माना खिलाफ हो गया, अभी लगाएगा लेकिन काम तो नहीं होगा। सुनाई दे रहा था ना, क्या बोलो, लगाओ मत, ये तो फिटिंग करते करते तो आप आउट लगे आधा घंटा हो गया। तो पहले आना था, तो जो भी हो वो तो दिमाग से छूट गया। सुनिए, हमारा गला तो मैं गला में इतना तेज से बोल रहा, सुनाई पड़ता ना, तो साउंड से बात सुनाने दो। तो जो भी हो सुनिए, तो अभी सृष्टि का पता चला, ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि किया ना, भगवान उनका आदेश दिया। भगवान कौन, क्या बोला? हम तो बोला नहीं, परमेश्वर जी बोला कि हाँ भगवान व्यासदेव, क्या बोला मोहम्मद वेदव्यास, क्या बोला? इते चांस कला पुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं। भगवान था कौन? होला कृष्ण स्वयं भगवान। कौन बोला? मामुनि वेदव्यास बोला।
और सृष्टि का पहला जीव भगवान का कृपा से जिनका पहला जन्म हुआ, ब्रह्मा जी क्या बोला, ईश्वर परम कृष्ण, क्या बोला, ईश्वर परम मतलब परमेश्वर, कौन ना, कृष्ण परमेश्वर कृष्ण, ये भी बोल रहा ब्रह्मा भी बोल रहा। तो शिव कौन है, हम क्या बोला, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त, हम इसीलिए गया मंदिर में और जाते भी मंदिर में इसीलिए, क्यों, परम भक्त भक्तों के पास जा करके भक्ति मांगने के लिए गया था। शास्त्र अनुसार प्रमाण अनुसार ये सब क्या बाबा, यहीं पे नहीं बाबा, प्रमाण है कि ये इस जगत चलाने वाले भगवान कौन, कृष्णा, कृष्ण का तमगुण अवतार शिव, कृष्ण का सत्यगुण अवतार विष्णु और कृष्ण का रजगुण अवतार ब्रह्मा, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव। इसलिए हम बोला क्या, हम बोला नहीं परमेश्वर शिव, बोला नहीं, क्या बोला हम शिव, आप शिव को तपस्या करके पूछ लो, शिव तो जल्दी संतुष्ट हो जाते, पूछ लो ना, ये हमारा बंदा, हमारे घर में एक बंदा आया वृंदावन से, नवद्वीप से, बोलो जो भी बोलो, आया तो बंदा ऐसा बोला, शिवजी महाराज बोलिए, शिवजी ठाकुर आप तो परमेश्वर हमारे लिए, बोलिए आप परमेश्वर की है नहीं, वो बता देगी, वो बता देगा पूरा रूप से, किसी को धोखा नहीं देता। जो भी हो, हमारा यहीं पे आने का मतलब ही है कि शिव जी के पास कृपा लेना, क्या कृपा, कृष्ण भक्ति कृपा लेना। हम लोग सो भक्तों के पास जाते किस लिए ना, भक्ति लेने के लिए, भक्ति मतलब सचमुच प्यार, जो प्यार में जा करके जो सचमुच प्यार होगा वो कुछ नहीं मांगते। आज का दिन में आप जब मंदिर में जाओगे कुछ ना कुछ मांगते हैं, हमारा बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाई करा दो, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोले, हमारा बेटा को नौकरी दिला दो, बेटी को शादी करा दो, बैंक में रुपया लाके दो, बिजनेस को चला दो, अच्छी तरफ से चला दो, ऐसा विचार लेकर के मंदिर जाते। किसी को बीमार आ गया, बीमार को अच्छा मत सही करा दो, ये भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं है, लिख लो। कोई पंडित जी है तो पूछो उनको, कोई बंदा आया और ऐसा बोला, अनप सनप कुछ बोला, सही की झूठ पूछ लो, कोई पंडित है तो हमारे पास लाके दो, हम पूरा किताब देखा के देखा, शास्त्रों जो महामुनि वेदव्यास लिखा सब लिखा को दिखा देगा, हमारा मोनी मोन कुछ नहीं बोल रहा, हम शास्त्रों का प्रमाण देकर बोल रहा, शास्त्रों को प्रमाण उठा के बात करने वाले हम सब। कोई लोग कुछ बता दिया, हम उस कथा पे कोई विश्वास नहीं होता हमारा। जो भी हो सुनिए, तो शिवजी कौन है, कौन शिवजी, क्या बोला,
भगवान का तमगुण अवतार। भगवान कौन, क्या बोला, भगवान कौन, परमेश्वर भगवान कौन, कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोलिए परमेश्वर भगवान कौन, श्री कृष्ण। वो पीछे बोल नहीं बोलना, हमारा जुक्ति तुम्हारा अच्छा नहीं लगा तो किताब लेके आओ, हम प्रमाण कर देगा। काशी तो वाराणसी तो बहुत पंडित का जगह है ना, चलिए हमको लेके चलिए, हम प्रमाण कर देगा, सबको प्रमाण कर देगा। तो पंडित जी है तो क्या, हम जो बोला शास्त्रों से, इति चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये अर्थ क्या होता, कला अंश भगवान का अंश अवतार बहुत है, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन ये सब भगवान विष्णु का अवतार। विष्णु कहाँ से आया, विष्णु कृष्ण से आया। कौन बोला, महामुनि वेदव्यास बोला। प्रमाण कहाँ, भागवतम प्रमाण है, और कहाँ पे, चैतन्य चरितमृत प्रमाण है, चैतन्य भागवत प्रमाण है, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा प्रमाण है, प्रभु जी ये सब बात मत करो बाबा, हम कथा कर रहे हैं तुम बात कर रहा, तो क्या क्या हो रहा, कहाँ लेके जाए बॉक्स, स्पीकर लगा रहे लाइन इधर कहाँ पे लाइन ले रहे, छोड़ दो ना आप, तो कथा तो खत्म होने वाला है, अभी आगे बैठे दो ना। सुनिए हम जो बोलने जा रहा, तो शिव जी महाराज एक बड़ा लंबा कहानी है, सबको कृपा करने वाले, आसानी से कृपा कर देता। ऐसा एक ब्राह्मीन हमारा किताब में है, उनका नाम जीवन चक्रवर्ती, क्या नाम बोला, जीवन चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब ब्राह्मीन। उनका बेटी का शादी, सब कुछ हो शादी होने वाला, बातचीत हो चुका, दहेज देने के लिए क्या चाहिए, पैसा धन, क्या पैसे चाहिए ना, पैसा थोड़ा, बेटी का शादी के लिए रखा ना, दहेज रखा, सोने रखा ना, क्या सोने पैसा रखना चाहिए तो। लेकिन गरीब ब्राह्मीन था, गरीब ब्राह्मीन का पास कुछ भी नहीं था। वो आ गया शिवजी महाराज भाई काशी विश्वनाथ का, एक काशी, एक नाम काशी ना, बनारस, बनारस का शिवजी महाराज बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है जो लोग जो मांगते उनको दे देता, इसलिए वही जीवन चक्रवर्ती वो आया। जीवन चक्रवर्ती आया यहीं पे ऐसी मंदिर में, गदगद होकर के बोलने लगे, दिल का बात बोलने लगे, हे शिवजी महाराज, हमारा बेटी का शादी, कुछ पैसा नहीं, क्या करे। तो शिवजी महाराज बोला, स्वप्न में उनका बोला, रात को स्वप्न में बोला, तुम चला जाओ वृंदावन, क्या बोला, वृंदावन, वृंदावन जाकर के किसके साथ मिलो ना, बोलो बोलो बोल दिया, सनातन गोस्वामी पाद, क्या बोला, सनातन, सनातन गोस्वामी पाद बोलिए, सनातन गोस्वामी, जोर से बोलिए, सनातन गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, बोलो, बोल नहीं बोल रहा, बोलिए ना, बोलने से क्या, हमसे फालतू बात करने के लिए आया ना, क्या बोलिए ना, फालतू बात करना, बोलिए सनातन, जोर से बोलिए, आवाज उठाइए, सनातन, सनातन, नहीं तुमने बोला,
बोलिए सनातन गोस्वामी पाद, गोस्वामी पाद। गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों को बस बना लिया। हम लोग क्या हमला हम लोग का क्या गोदास, इंद्रियों का दास बना। लेकिन दास नहीं हो, जो लोग इंद्रियों का बस बना लिया वो गोस्वामी होता। तो देखो सनातन मतलब क्या, जो अभी है सृष्टि का पहले थे और ध्वंस होने से बाद भी रहेगा, उनका सनातन है। सनातन धर्म, हमारा धर्म का नाम क्या, सनातन धर्म। देखो सनातन धर्म मंदिर सारा जगत में है, अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, जहां पे जाओ दुनिया का, हिंदुस्तान का लोग जहां पे है वो एक मंदिर बना लिया सनातन धर्म। सनातन धर्म पहले से था, अभी भी है और ध्वंस होने से भी रहेगा। देखो मुगल कितना दिन कितना वर्ष राज किया, सनातन धर्म अभी भी है, जाएगा नहीं, रहेगा। मुगल जो सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया, आज टेलीविजन नाम सुना, टेलीविजन देखता, बोलिए ना, देखता टेलीविजन जे वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम, विश्व परिवर्तन प्रोग्राम आता था उनका, वो प्रोग्राम टेलीविजन द्वारा आते आते देखो साड़ी छोड़ के आज औरत लोग क्या पहनने लगे जींस पैंट टी शर्ट, कभी दिन पहना देखा। हम जब स्कूल में जाते थे सब देखता तो औरत सब हमें जितना सब है सब साड़ी पहनता। अभी देखो स्कूल में जींस पैंट, गर्मी का समय में जींस पैंट जींस शर्ट लगा के साहब बन गया सब। पहले प्रणाम करते थे कैसे, हाथ जोड़ करके शीर मिट्टी में लगा के करते, अभी ऐसा हो गया जानू पर आ गया, पैर में नहीं जानू पर आ गया, धीरे धीरे दिल पर होगा, उसके बाद चप्पल लगा, ऐसा होने वाला, ऐसा होने जा रहा। हंसो मत, हंसने का बात नहीं सोचने का बात है। आज जो होने जा रहा उनका अभी तुम रोक नहीं पाओगे तो बाद में पछतावा आएगा, सब तुम्हारा वंशज नष्ट हो जाएगा। तो जो भी हो शिवजी महाराज के पास वही जीवन चक्रवर्ती आया बेटी का शादी के लिए, कैसे शादी का दहेज दे सकता, पैसा तो कुछ नहीं। शिवजी महाराज सप्त में बता दिया तुम चला जाओ सनातन गोस्वामी पाद, वो है तो वृंदावन। जीवन चक्रवर्ती सोचा ये तो बहुत अच्छा अमीर लोग होगा, शिवजी महाराज बता दिया वृंदावन में जाओ सनातन गोस्वामी पाद को चला जाओ और वो तुम्हारा पूरा इच्छा जितनी इच्छा है सब पूरी कर देगा। बहुत अमीर लोग हैं, भाग भाग के चला गया वृंदावन में जाकर के देखा, क्या देखा, देखा कि सनातन गोस्वामी पाद जमुना का किनार में, जमुना नदी का किनार में, आप कहीं पे गंगा नदी है जमुना है, जमुना का किनार में छोटा रूप से झुबड़ी बना के सनातन गोस्वामी पाद का कपड़ा का कहाँ पे घुटना के ऊपर कपड़ा है, माला लेके जप कर। तो जीवन चक्रवर्ती तो आश्चर्य तो क्या, शिवजी महाराज हमको धोखा दिया, भगवान का श्रेष्ठ भक्त, भगवान कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त,
वो तो धोखा दे ही नहीं, धोखा तो दे नहीं सकता। तो क्या हुआ, इनके पास तो कुछ भी नहीं लगता है, तो कुछ भी नहीं, तो गरीब है। जो भी हो विचार आया, भगवान तो कभी मैंने शिव जी मारे तो कभी धोखा दे नहीं सकता। जा करके नम्रता सहित पूछा, हमको शिव जी महाराज स्वप्नादेश की आपके पास आने के लिए, हमारा बेटी का शादी है, शादी का दहेज आप दे सकते हैं सब कुछ। सनातन गोस्वामी सुनने से बात बोला, मैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं बाबा। तो शिवजी महाराज बोला तो सोचना चाहिए हमारा, हमको तो सोचते सोचते उनका याद आ गया जो एक परसमणि कूड़ा में वो फेंकवा दिया था, जो कूड़ा है ना जहाँ पे कूड़ा फेंकता है वो फेंकवा दिया था, तुम वहीं पे जा करके ढूंढ लो वहीं पे परसमणि है कि नहीं। अभी तक तो कोई लोग आया नहीं वहीं पे लेने के लिए, कूड़ा कूड़ा उठाने के लिए, तुम देख लो वहीं पे है कि। छान मारे मिल गया परसमणि, जब मिला तो उनका खुश हो गया। परसमणि लेकर के भाग भाग के घर में जाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया, चला भी गया। बीच में दिमाग में आ गया, क्यों सनातन गोस्वामी इतना बड़ा साधु, साधु को दर्शन करने से, साधु को दर्शन करने से क्या होता, साधु को दर्शन करने से क्या होता, अंदर में जितना सब गंदा चीज का बोझ है, गंदा चीज कौन है, कौन दुनिया का लाभ उठाने का जितना विचार है वही गंदा चीज है। जितना लाभ उठाने का विचार उठा उतना ही तुम भगवान से दूर रहोगे। अपना कुछ नहीं, सब भगवान का, जो कुछ है सोचो भगवान का, ऐसा मत ऐसा सोचो, नहीं सोचोगे तो तुम्हारा विचार उल्टा हो गया, अंदर में गंदा चीज आ गया, सोचने लगा मालिक मैं हो, आप मालिक नहीं। शरीर छोड़ने से बाद पता चलेगा नारायण सठ को, जे हम जो कुछ किया बेटा के लिए किया, अभी परिचय देने से बाद भी बेटा लोग क्या किया, दिया आधा हिस्सा दिया, ठोका मार दिया, क्यों, ये दुनिया का ऐसा ही खेल है, ये दुनिया भगवान का कोई लोग बोल नहीं सकता, है ना हमारा दुनिया, मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ, मरने पड़ेगा, मरण के बाद पूरा रिश्ता गया। तो जो भी हो तो जीवन चक्रवर्ती जब सनातन गोस्वामी का दर्शन किया, बातचीत किया, सब कुछ करने से बाद उनका दिल तो साफ हो गया। कुछ दूर जाने से बाद मुनिमन ऐसा विचार आया, अच्छा जो परसमणि को इस प्रकार कूड़ा में फेंका दे सकता, उनके पास और कोई ज्यादा ज्यादा कीमती वाला चीज है, परसमणि से भी ज्यादा कीमती वाला चीज है। ये विचार लेकर के फिर से वापस आया, क्या बोला, हाथ जोड़ करके सिर झुका के बोलने लगे, हे सनातन गोस्वामी पाद बोलिए, आपका नाम शिवजी महाराज हमको बोला, हम तो आया, चीज तो मिल गया, लेकिन हमारा ऐसा महसूस हो रहा आपके पास इससे ज्यादा कीमती वाला कोई चीज है, जो जिसलिए आप परसमणि को कूड़ा में फेंकवा दिया। तो सनातन से बोला, हाँ हमारे पास तो है, क्या है, वही लेना चाहिए, वो चीज लेने के लिए हमारा लालच आया, अभी आप दीजिए,
तो सनातन सब क्या बोला, तुम एक काम करो, वो चीज लेने के लिए परस मुनि को जमुना का नदी में फेंकवा दो और जमुना में स्नान करके हमारे पास आ जाओ, वो हम तुमको देगा वो चीज। उस चीज का नाम क्या? चिंतामणि, परस मुनि और चिंतामणि। वो चिंतामणि कौन है? चिंतामणि भगवान का नाम, भगवान का नाम चिंतामणि। क्या नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। इस महामंत्रो भगवान का नाम ये दिया क्यों? भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं, एक ही है। हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान कृष्ण राधा कृष्ण एक ही है। अभी देखो देखो आकर्षण हम लोगों का कहां पे है? भगवान आया इधर, भगवान प्रकट हो गया उधर में हीरे हीरा उठ हीरा का पहाड़ लग गया। भगवान बोला तुम हमारे पास आओगे ना हीरे कुड़ा हीरा हीरा लेने के लिए जाओगे, तुम्हारा तुम्हारा सोच क्या है बोलिए। उस पार हीरे है, हीरा डायमंड हीरा बहुत कीमती, हमारा दुनिया में कीमती बार मतलब 10 करोड़ का भाव है एक हीरा का। अरे पे भगवान है, तुम कहां पर जाओगे? तुम्हारा नाम क्या बोलिए? हा क्या? मिर्जा से ऋचा ऋचा बोलिए ऋचा। हीरा है ऊपर 10 करोड़ रुपया यहाँ पे विराजमान है, यही पे भगवान है, कहां पे जाओगे बोलिए? हा बोलिए ना, क्यों? जो सारा दुनिया का मालिक भगवान कृष्णा, मालिक के बाद जाने से सब दुनिया तो हमारा मुट्ठी पर होगा, सिर्फ छोटा रूप से हीरे लेने के लिए क्यों भागोगे? यही माया का बात है कि भगवान का कथा चल रहा है लेकिन हमारा बहुत कुछ दिमाग में आ गया, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा तैसा करना, फोन आ गया, फोन पकड़ना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित महाराज, नाम सुना कभी दिन? परीक्षित महाराज कौन थे? पांडव, पंच पांडव, नाम सुना? क्या नाम? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अर्जुन का शादी हुआ कहां से, किसके साथ? द्रौपदी, सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। ताले कौन हुआ? अर्जुन का पोता परीक्षित महाराज। आखेड़ में गया, जाने से क्या हुआ? एक प्यास लगा, प्यास लगने से बाद जल मांगने के लिए श्रमिक मुनि के पास गया। श्रमिक मुनि पूरा रूप से ध्यानस्थ है, ध्यान का मैं पूरा रूप ध्यान में कूद गया था। तो कूद गया था तो क्या हुआ? उसके बाद जब जल नहीं मिला, माया रूप से माया देवी सांप रूप से मन मृत सांप, मतलब सांप है, सांप
जिंदा नहीं, वो सांप का शरीर लेकर के सुगमनी के गला में चढ़ा दिया। उसके बाद सोचने लगे, जब प्यास तो लगा कि क्यों लगा, भगवान की इच्छा से लगा। वो सांप जो है वो माया देवी थे। उसके बाद परीक्षित महाराज का दिमाग में ऐसा महसूस हो रहा, हम कितना गंदा काम किया, हम क्षत्रियो श्रमिक मुनि ब्राह्मीण, ब्राह्मण का सेवा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। हम गया उनके पास सेवा मांगने के लिए गया, हम गलती कर लिया। लोग गलती करने से मैं शास्ति देता, सब सजा हम देता, मैं खुद गलती कर लिया, हमको सजा कौन देगा, हमारा सजा होना चाहिए। ये खबर जब चला गया, श्रमिक मुनि गला में एक सर्प मित्र सर्प मैंने मारा हुआ सर्प को लगा के चला गया, कौन पता नहीं, उनका बेटा श्रृंगी तो सिंगी का पता नहीं, लेकिन पिताजी का गला में कोई लोग सांप चढ़ा कर चला गया तो गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या करते, गुस्सा बुद्धि को नष्ट करवा देता। वो सोचा नहीं कौन किया, सरजू नदी का जल उठा के हाथ में लेकर के सब लगा दिया। क्या आज से 7 दिन के अंदर में तक्षक सांप काट के उनका मरण हो जाएगा। सांप देने से बाद जब समित मुनि के पास आया बेटा श्रृंगी, वो रोते 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 रोने से जब रोने का शब्द हुआ, देखो इतना तेज से चिल्लाया परीक्षित महाराज, उसी समय उनका कोई हुआ नहीं, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। लेकिन अभी बेटा धीमी धीमी करके रोते रोते वो शब्दों से उनका ध्यान भंग हो गया। आंखों खुल के बोलने पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, कोई लोग तुमको उल्टा सीधा बात बोला? नहीं नहीं पिताजी, नहीं, क्या हुआ, क्या बोलो ना, बोलिए ना, ना आपका गला में कोई लोग मृत सर पर चढ़ा दिया, गुस्सा आ गया, गुस्सा से सांप दे दिया। क्या सांप दिया, ऐसा सांप दे दिया। बेटा तुम्हें पता है कि कौन आया था, कौन लगा, कौन चढ़ाया हमारा गला में? नहीं पता। तो पता नहीं तब तुम सांप दे दिया, ठीक है तुम रुकिए थोड़ा। ध्यान में कूद गया, फिर देखा महाराज परीक्षित आश्रम में आकर के पानी मांगा, पानी नहीं दिया, इसीलिए वो गुस्सा से हमारा गला में चढ़ा दिया। उसके बाद बेटा को गाली देने लगे, बेटा तुम जो काम किया अच्छा नहीं किया, परीक्षित महाराज का राज में हम लोग चैन से साधना कर रहा, आज परीक्षित महाराज 7 दिन पर जब शरीर छोड़ देगा, राजा बिना राज्य कैसे चलेगा, सोचा कि कभी दिन। इस प्रकार बात करते करते बेटा को तो बहुत बहुत डांटा। उसके बाद अपना शिष्य को भिजवा दिया, जाओ खबर लेके जाओ परीक्षित महाराज को, बोलो हमारा बेटा ऐसे सांप दे दिया, तुम कुछ करो। परीक्षित महाराज ये खबर पाने से बाद विचार लिया, उनका बेटा जनमेजय को पूरा राज्य का भार दे करके राज्य का अर्पण करके चला गया, कहाँ पे, गंगा का किनार में सुखताल, अभी भी है सुखताल। और 7 दिन 7 रात किस तरीका से बैठ के पाठ सुना,
सात दिन सात रात कैसे पाठ, जरा गंगा के किनारे में जाकर के सोचने लगे हमारा ये सात दिन आयु है, सात दिन आयु में हमारा क्या करना है, कर्तव्य क्या है, बोलिए। उपदेश देने के लिए 88,000 ऋषि आ गया, एक ऋषि का मौत और एक ऋषि के साथ सही नहीं हो रहा। एक ऋषि बोलने लगे, महाराज परीक्षित तुम तालाब तालाब खोदो और वहीं से पानी सबको देने लो, यही तुम्हारा सात दिन का कर्म होगा, वही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है। और उस जब एक ऋषि बोल दिया, उसके बाद और एक ऋषि खड़ा होकर बोलने लगे, हे महाराज परीक्षित आपने यज्ञ करो, यज्ञ करो, हवन करो। जब समाप्त हुआ फिर से, हे महाराज परीक्षित आपने दान करो, आप दान करो। जब इतना सब हो गया, परीक्षित महाराज दिल से सोचने लगे, हम एक ऋषि का चरण में अपराध करके हमारा साजा ऐसा मिला, अरे पे 88,000 ऋषि है और एक के बाद सुनने से बाद बाकी ऋषि मिल के हमको सांप देगा, हम कहां पे जाओ, हे भगवान रक्षा कीजिए। तो भगवान क्या किया, उसी समय भगवान सुखदेव गोस्वामी भिजवा दिया, और महामुनि वेदव्यास का बेटा सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष उमर नंगा होकर के, जिनका शरीर में कोई धैन नहीं, शरीर में कोई कपड़ा है कि नहीं, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब सभा में प्रवेश किया, 88,000 ऋषि खड़ा होकर के सुखदेव गोस्वामी को स्वागत किया और बोलने लगे, हे महाराज परीक्षित ये जो बोलेगा, ये जो सुखदेव महाराज जो बोलेगा वही हमारा हमारा मौत होगा, हमारा वही समय, हमारा वही समय स्वयं मौत है। सुखदेव गोस्वामी बोला, भागवत पाठ सुनो, श्रीमद भागवत कौन लिखा, महामुनि वेदव्यास लिखा, क्या बोला, महामुनि वेदव्यास, वेदव्यास किसका बेटा, सत्यवती का बेटा, पराशर मुनि का बेटा। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी पाठ करने लगे और सात दिन, हम लोग तो एक घंटा में 20 बार गया कि बोले उठा उठ के चला गया, लेकिन भगवान कथा इस प्रकार सुनना चाहिए, क्यों, भगवान कथा में है, भगवान कथा में है। नहंग बसामि वैकुंठे जगुनांग हृदय नाचा मदभक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदो। कौन बोला, भगवान बोला, किसको बोला, नारद को बोला, अर्थ क्या है, हे नारद हमें वैकुंठ में नहीं रहेंगे, जोगी का दिल पर भी नहीं रहता, कहां पे, मदभक्त जत्र गायंती, हमारा भक्त हमारा गुण कीर्तन जहां पे करते हम वहीं पे रुकता, इसलिए भगवान विराजमान है हर पल है, इसलिए भगवान कथा परीक्षित महाराज माफिक सुनना चाहिए, तब फलो। कैसे सुना, इस प्रकार हाथ जोड़ करके सुखदेव गोस्वामी बोल रहा, वो सुन रहा, उठा नहीं, प्यास लगा, पेशाब लगा, कुछ भी नहीं हुआ, भगवान का कथा ऐसा नहीं जो ठीक है सोशल कुछ प्रोग्राम हो रहा जाओ चेयर में बैठो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रुक के उसके बाद चला जाओ और हो गया, ऐसा नहीं, हमारा कोई काम नहीं, हमारा पूरा कार्यक्रम छोड़ के ही पाने का। एक घर का बेटी प्रीति, प्रीति हमसे मंत्र लिया, उनका नाम हो गया क्या, प्रेमलता, प्रेमलता हमको विनती किया हमारा पिताजी का घर में जाओ,
पांच छह बार विनती करने से बाद हमारा भी लालच था। श्रेष्ठ भक्त, भगवान का श्रेष्ठ भक्त क्या, कौन क्या बोला? भगवान का श्रेष्ठ भक्त क्या नाम बोला? शंकर जी। क्या बोला? नाम बोला शंकर जी, शिव जी। हाँ, आप लोग बोलने का थोड़ा मैंने बोलने का बोलने के लिए दुविधा लगता ना क्या? शिव जी तो परमेश्वर है, हम तो बोल रहा कोई लोग पंडित के लेके आओ, हमारे पास लेके आओ सब किताब लेके आओ, हम सब प्रमाण कर देगा कि तो आप द्वारा प्रमाण कर देगा और तुम्हारा ऐसा ताकत है तो शिव जी की तपस्या करो और पूछो शिव जी के पूछो आप कौन है को। हम जो बोल रहा शिव जी क्या तमगुण अवतार, भगवान का तमगुण अवतार शिव शंकर। तो हमारा लालच क्या, भगवान का श्रेष्ठ भक्त कौन बोलिए ना? शिव जी। शिव जी, शिव शंकर, जो भी तुम बोलो ना? तो उनका कृपा लेने के लिए हम भी आया। हमारा मंदिर बहुत है, पूरा छोड़ छाड़ के ही पे आया। क्यों? शिव जी की कृपा लेने के लिए। और शाम को थोड़ा बोला बैठ बैठ के क्या करे, ये लोग को बोला कुछ प्रोग्राम तो करो, हम आया तो कुछ तो बात ना बताना चाहिए, सनातन धर्म का बात सच बात बताने का लोग नहीं। आज बात बताने वाला क्या, सब भगवान है। सारा दुनिया में जितना देव देविया सब भगवान है, ऐसा बात बताना ना? ऐसा बात ही सब लोग बोल रहा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। क्यों? ऐसा नहीं, सच को सच बदलना चाहिए। सच क्या है? परमेश्वर भगवान कृष्णा। देखो इस कॉलेज में जाओ, कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, सारा सारा प्रोफेसर प्रिंसिपल आने का, प्रिंसिपल एक ही बोलो। ये देश में कितना प्राइम मिनिस्टर है? एक तो मोदी है और कोई है ना का, एक ही है। राष्ट्रपति कितना है? सभी एक एक है, चरम में एक ही है। और यहीं पे सब लोग चरम होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए सोचो, क्या सोचना चाहिए? भगवान कृष्णा और परमेश्वर कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त शिव शंकर जी, इसी लालच में हम आया। हम यहीं पे कोई जीवन चक्र माफिक कोई देह मापने के लिए आया नहीं, मांगने आया भक्ति मांगने के लिए आया। आज गया था नंगा पार में, पैर में वही छोटा छोटा कंकर, चलते चलते वो तो थी हमारे था, पूछो ना। नंगा पार में गया ना होगा, चप्पल पहन के गया, बोलिए। नंगा पार के गया, नंगा पार में गया, चलते चलते मंदिर में गया, लेकिन मंदिर में जा करके हमारा दिल भरपूर नहीं हुआ। क्यों? इतना पुलिस लोग भगा दौड़ खड़ा रहा है, चलो 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 चलो। इसलिए काल हम सोच रहे यहीं पे जो मंदिर है यहीं पे जा करके दिल से हम शिव जी की पूजा करें। क्यों? वहीं का शिव यहीं पे आया, वहीं पे जब भीड़ भाड़ है यहीं पे भीड़ भाड़ नहीं, हम कर लेगा पूजा, मांग लेगा दिल का बात। हम इसीलिए आया। और शाम को हम आया, जो चीज हिंदुस्तान में बहुत कमी होगी आज का दिन में,
पढ़ाई करते, पढ़ाई पे कूद जाते। भगवान के कूदने का विचार माता पिता सिखाता नहीं और बच्चे को सिखाए नहीं तो क्या क्या। अभी बच्चे को सिखाया नहीं, बच्चे क्या करते, पढ़ाई करने से बाद दारू पीता, छान मारो घर में जा, छान मारो। जितना शिक्षित परिवार उतना ही दारू पीने वाला लोग है, जितना उपार में लोग है सब दारू पीने वाला लोग है। दारू खाना अच्छा है ना बुरा है, बोलिए। तो ऐसा करना ठीक है? जहां पे जा, हमारा विचार ऐसा है, हमारा विचार ऐसा है जहां पे जाओ कुछ कथा सुना भगवान को, सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होने जाने वाला, लुप्त हो रहा। हम लोग बोल रहे हैं हम हिंदू, लेकिन हिंदू का कहानी कहां पे, हिंदू का विचार कहां पे रखा? आज कलिजुग, आज युग का नाम क्या बोला है? कलिजुग, बोलिए जोरा जोर। युग का नाम क्या? कलियुग। कलिजुग, कलिजुग का धर्म क्या बोलिए, पता है? कलिजुग का धर्म क्या? किसी का कोई पता नहीं। क्यों पता नहीं? बोलने वाला लोग नहीं, सब लोग पॉकेट खींचने वाला लोग है। जो बोला आता धर्म का पंडित बन के आता, वो लोग पॉकेट खींचने के लिए आता। तुम्हारा पिताजी मर गया, ठीक है, इतना पैसा लगेगा, दान ऐसा करो तैसा करो, किसको करो, ब्राह्मण को करो, हमको करो, तब पिताजी उद्धार होगा। पिताजी तो उद्धार नहीं होता, कर्म के फल अनुसार को भुगतना ही पड़ता। जो ब्राह्मण मछली खाते, अंडा खाते, गंदा चीज खाते, उनका मुख से निकला हुआ कोई मंत्र काम नहीं करते। लिख लो किताब में, तुम्हारा डायरी है तो लिख लो, और बड़ा बड़ा पंडित के जाकर पूछो। हम गुस्सा नहीं, हम बोल रहा, हमारा दुख से बोल रहा। इतना अच्छा वाला देश में हम सबको जन्म दिया भगवान, देश का जो असली जो चीज है वो हम ले नहीं सकता। ये चीज हम तो सारा दुनिया घूमने वाला, तुम्हारा जो बेटी यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास गया, सारा दुनिया हर साल हम घूम के आता, 6 कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, सब जगह पे घूमने वाला साल में एक बार, मतलब कथा करने वाले। वहीं पे कथा तो अंग्रेजी में होता, हिंदी हमारा भाषा नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहा तुम्हारा दिल पर जाने के लिए, तुमका ये चीज बताने के लिए। कलिजुग का धर्म हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, ये नाम शिव जपे पंच मुखे रे। शिव जी का काम कौन मुख है? 5 मुख है। ये नाम शिव जी महाराज 5 मुख लेकर के जप कर रहा। आप करते, कोई लोग करते मंत्रो, हम बोलने से बाद भी आप लोग करेगा नहीं। क्यों? जो पंडित जी सिखा पढ़ा के दिया पहले, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में कथा है, हम कोई पढ़ाई किया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो पहले तुम सीख लेगा वो आखिर तक रहेगा। पहले सिखा के पढ़ा के जो मम्मी पापा दे दिया वही रहेगा,
लेकिन भगवान जो बता दिया वो बात मम्मी पापा का पता नहीं था, वो बोला नहीं, वो भी करेगा नहीं। आपका जन्म हुआ धर्म भूमि में, धर्म करो। सत्य युग का धर्म क्या? ध्यान। त्रेता युग का धर्म क्या? हमन। द्वापर युग का धर्म क्या? पूजा। और कलि युग का धर्म क्या? नाम संकीर्तन। तुलसी का पूजा करना, आ तुलसी का गमला सामने रख के नाम संकीर्तन करना, हरे कृष्ण, कोई लोग नहीं है, अकेला करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करिए ना। आज तेज से बोलने के लिए शर्म लगता, मुनिमन बोलिए, मुनिमन बोलने से याद नहीं होता, पूरा रूप से महसूस नहीं होता नाम हो रहा, धीमी करके करिए। सिखाओ बेटा बेटी, आज जो बेटा बेटी छोटा रूप से है, काल से मम्मी पापा होगा, वो जब सीखेगी है आज, काल जाकर के आने वाला परिवार को सिखाएंगे। यही कमी हो गया, पता नहीं हमारा बात आपका विश्वास हो रहा कि नहीं, लेकिन हम जो बोला आप नोट करिए, यही पे तो नोट हो गया। इनका लिंक ले लो और मिला के देखो, आपका जिंदगी में आने वाला जिंदगी में मिला के देखो क्या होने वाला है, क्या हो रहा, क्या होने वाला है। इसलिए सावधान हो करके घर में जा करके आप पहले आप करो, उसके बाद तुम्हारा बेटा बेटी रिश्तेदार को बोलो। कोई प्रमाण चाहिए तो आप सारी किताब लेकर हमारे पास आ जाओ, हम प्रमाण कर देगा जो हम बोला वो चीज सब शास्त्रों में है, भगवान खुद बोला, और भगवान का कथा अनुसार मैं भी जिंदगी भर ऐसा ही कर रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि हम बाहर में जाकर के उल्टा सीधा करते और हम यहीं पे आकर के ऐसा बोल रहा, ऐसा नहीं। हमारा सिखाना, हमको हमारा गुरुजी ऐसा ही सिखाया, पहले आचरण करो, हम जन्म से आचरण करने वाले, अहंकार नहीं। आपको बोलने के लिए बोल रहा, आपको भी महसूस होना चाहिए आप जिस तरीका से चल रहा उसी तरीका से चलना नहीं चाहिए था, चलना नहीं था ये था, लेकिन आप चला लिया, बुढ़ापन आ गया, इसलिए कलियुग का धर्म जो है कृष्ण नाम करिए, नाम संकीर्तन। देखो हम ऐसा नहीं बोल रहा, बृहद नारदीय पुराण, क्या नाम बोला, बृहद नारदीय पुराण, उसमें से श्लोक है, क्या श्लोक, हरे नाम बोलिए, हरे नाम, उधर बोला बोल, नहीं नहीं बोल रहा, क्या हमको कोई विरोध करना, क्या विरोध है तुम्हारा मन में, तो बोलिए ना, हम जो बोल रहा बोलिए ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईव केवलम, हरे नाम ईव केवलम, कलौ कलौ नस्ते वा नस्ते वा नस्ते वा नस्ते वा नस्ते वा गतिरन्यथा नस्ते वा गतिरन्यथा। श्लोक में कलौ मतलब कलियुग में धर्म क्या, हरिनाम हरिनाम हरिनाम,
हम मजाक करने के लिए भी आया नहीं, यहीं पे कोई आराम लेने के लिए आया नहीं। ये लोग का ठीक है, अच्छा वाला रूम दिया, खाना भी दे रहा, बार बार पूछ रहा क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाओगे, हाँ अच्छा खाना मिल रहा, ठीक है सो जाओ। खाने के लिए आया नहीं, आराम करने के लिए आया नहीं, किस लिए आया? शिव जी का कृपा लेने के लिए। क्या होगा? उन्होंने कृपा करने से हमारा दिल से ये नाम होगा, दिल से ये नाम होगा। कौन नाम बोलिए? हरे कृष्ण। हाथ उठाइए सब, सब उठाइए, हाथ उठाइए, हरे कृष्ण। हाथ उठाने का मतलब क्या? हाथ उठाने का मतलब पूर्ण रूप से शरणागत हो गया इसका चरण पे, जिनको जिनको नाम करोगे। क्या नाम? महामंत्र। महामंत्र कौन है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का चरण पे पूर्ण शरणागत हो जाओ, मन ही मन ध्यान करो राधा कृष्ण का, बोलिए हमारे साथ 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 बोलिए, हमारे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामो, हरे रामो, हरे रामो, हरे रामो, रामो रामो, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। आपका लग ऐसा लगेगा ये सब क्या बकवास कर रहा, जो लोग हाथ नहीं उठाया ऐसा ही लगेगा। बकवास हम नहीं करते हैं, हमारा इतना समय नहीं बाबा, हमारा इतना समय नहीं फालतू बिताने का समय नहीं। समय का मूल्य है, समय को काम पे लगाओ। कलियुग का धर्म जितना तुम करोगे, दिन में आधा घंटा करो ना, एक घंटा करो ना, वही तुम्हारा समय असली काम पे लगेगा। और घर चलाने के लिए जो कर्तव्य है करो, खेती ऑफिस जो कुछ करो करो ना, लेकिन तुलसी का गमला रखो और तुलसी का आमने सामने रख के हरि नाम करो, अगरबत्ती दो, दीपक दो, परिक्रमा करो तुलसी को, ऐसा तो कर सकता। घर में राधा कृष्ण का तस्वीर तो रख सकता, हरि नाम करो ना, क्या दिक्कत क्या है? वो लोग सोचे वो जब पीछे जब बैठा ना, जो बाद में आया जवानी लड़की सब, लोग सोच रहा कि ये क्या बकवास करने के लिए आया, हम लोग तो मॉडर्न सोसाइटी में है, हमारा तो बड़ा बड़ा धर्म, हमारा क्या धर्म क्या है, धर्म कुछ नहीं, तर्क उठाओ ना हमारे पास। जितना सब तुम्हारा विचार है वो विचार लेकर हमको छेड़छाड़ करो ना। देखो धर्म है, हर चीज का धर्म है, जल का धर्म का H2O, जल का धर्म हम लोग जो पढ़ाई किया H2O, तो ग्लूकोज का धर्म क्या? C6H12O6। सब चीज का धर्म है, हमारा धर्म क्या? हमारा धर्म भगवान का साधना करना, इसलिए भगवान भेजा है शरीर पर। कलियुग का साधना क्या? हरिनाम, हरिनाम करना। हरिनाम क्या? हरे कृष्ण महामंत्र। वो क्या? वो हम बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप करिए ना, हम भी तो पढ़ाई किया, ऐसा करते करते पढ़ाई किया, हम भी जहां पे पाल पोसुआ हावड़ा सिटी में, नाम सुना हावड़ा, हावड़ा सिटी जहां पर नक्सल थे, हमारा क्लब में देखा, क्लब में देखा, एक लोग थोड़ा विरोध किया, एक लोहे का डंडा था
सिर पर मारा, मर गया, हमारा आंखों में सामने डाल दिया, हाइड्रेन में डाल दिया, क्लब भंगा सब चला गया, ऐसा हमारे आंखों में देखा। पुलिस इंस्पेक्टर आया, वो लोग विरोध किया लोगों के साथ, वो पूरा चाकू चला के पुलिस इंस्पेक्टर छोड़ चाकर। ऐसा जगह में हम पाल पोस हुआ, बचपन से ये नाम छोड़ा नहीं, बचपन से हम जो अंडा बोलो, प्याज बोलो, रसुन बोलो, कुछ खाया नहीं। और उसी कॉलेज में पास किया, उसी कॉलेज नर्सिंग दत्ता कॉलेज, वहीं पे पढ़ाई किया, पास भी किया, उसके बाद यहीं पे आया। पढ़ाई किया इसलिए सारा दुनिया घूमने का मौका मिला, मौका मतलब मौका नहीं, हमारा गुरुजी हमको आदेश दिया तुम जाओ प्रचार करो, सारा दुनिया में घूम के प्रचार करो। इसीलिए हमको हमारे साथ मिला हुआ तुम्हारा घर का दामाद और बेटी प्रीति का साथ मिला हुआ, कहा ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में मिला हुआ। उसके बाद हमारे पास आया, जो भी हो ऐसा ही दुनिया में जो कुछ कर रहा करना कर लो, लेकिन जिस लिए तुम कर रहा वो मिलेगा नहीं, हमेशा के लिए आनंद कभी तुम मिलेगा नहीं। ये भगवान के अलावा कोई लोग हमेशा के लिए आनंद दे नहीं सकता। भगवान क्या बोला, भगवान हम क्या बोला, परमेश्वर भगवान कौन बोलिए ना, बोला तो बोलिए, परमेश्वर हम कौन, कृष्ण। बोलने के लिए थोड़ा दुविधा होता, परमेश्वर इतना दिन बोल के आया, शिव जी महाराज, शिव शंकर और आज कृष्ण, क्या शिव जी महाराज भी सुखी होगा। सही शिक्षा देने से शिव जी महाराज का दिन हमेशा के लिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण। देखो आप देख सकता है, एक मूवी देख सकता है। देखो मूवी में उषा का पिताजी का नाम क्या था, उषा अनिरुद्ध का जब शादी हुआ नाम क्या था, बनासुर। हाँ बोला तो बनासुर, बनासुर जब देखा वो तो पहले सोचता कि हमारा प्रभु शिवजी महाराज परमेश्वर हमारा हजारों हाथ दिया, अरे ग्वाला का बेटा श्री कृष्ण क्या करने के लिए आया, भगवान मानते नहीं हम। जब शिवजी महाराज को देखा, जब भगवान कृष्ण चक्र लेकर के बनासुर को मारने के लिए आया तो क्या हुआ, शिवजी महाराज जोर का प्रभु ये हमारा बेटा है। जब बनासुर देखा, अरे हम तो सोचा तो परमेश्वर शिव, अरे शिवजी हमारा महाराज आ गया कहां पे, ना हाथ जोड़ करके कृष्ण के पास आर करके उनका जिंदगी मांगने के लिए आया। ऐसा घटना देखा ना मूवी में, वो तो तुम शास्त्रों में पढ़ा नहीं, शास्त्रों में देखो ना, कृष्ण से चार मूर्ति आया, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। शंकरशन से आया पांच मूर्ति आया, हम तो ऐसा बोल, तुम देख लो ना, हम जब लिखा ना, हम जब बोल रहा ये तो वहीं पे रिकॉर्ड हो रहा, तुम लेकर जाओ जाइए। शंकरशन से पांच मूर्ति आया, एक मूर्ति कर्णदक्ष महाविष्णु, और एक मूर्ति गर्भदक्ष महाविष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक्ष,
মানে কি বলে শ্রীদক্ষ মহাবিষ্ণু। তো আর উসকে বাদ আয়া মহাশঙ্কর্ষণ, উসকে বাদ আয়া শেষ পাঁচ মূর্তি সংকর্ষণ চায়া। মূল সংকর্ষণ বলরাম, বলরাম চায়া সব। ये तो शास्त्र में हम देखा बाबा, शास्त्र पढ़ के बोल रहा। तो इसके बाद जो घटना जो चल रहा, जो विष्णु भक्त वो बोल रहा विष्णु शिव कृष्ण आया, जो शिव भक्त शिव का पमानते वो बोल रहा शिव से कृष्ण आया। हमारा गांव में एक लोग है काली काली का भक्त मैंने काली का साधक, बोला काली का बेटा कृष्ण। हम ठीक है तुम्हारा बात। तो कर्णदक्ष महाविष्णु, गर्भदक्ष महाविष्णु, शिरोदक्ष महाविष्णु, महाशंकर्षण और शेष पांच मूर्ति संकर्षण से आया। और संकर्षण आया कहाँ से? कृष्ण से आया। हम बता दिया ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लक्ष्मण से राम आया, लक्ष्मण से बड़ा कौन है? राम है। राम लक्ष्मण राम का सेवा किया। इस प्रकार संकर्षण भगवान का सेवा करने के लिए पांच मूर्ति लेकर सेवा करना। जो कर्णदक्ष महाविष्णु, तो जो कर्णदक्ष महाविष्णु वो जगत सृष्टि किया, और गर्भदक्ष महाविष्णु ब्रह्मा को दे द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा जगत जीव को सृष्टि किया। और शिरोदक्ष महाविष्णु और एक नाम है पयोवधि सही महाविष्णु, इनका दो नाम खीर सागर में, क्षीर सागर में है तो इसलिए पयो, पयो मतलब दूध है। तो इसलिए तो जो शिरोदक्ष महाविष्णु वो सारा जीव के अंदर में है। नाम क्या? परमात्मा। परमात्मा है इसलिए हमारा शरीर चल रहा, आंखों देख रहा, कान सुन रहा। महाशंकर्षण सबको आकर्षण करने वाले, जो भगवान का नाम लेगा तो उनका आकर्षण करके भगवान के पास पहुंच देगा। शेष धरती को सिर पर रख दिया, ऐसा हम पढ़ाई किया। आप पढ़ाई कहाँ से किया पता नहीं, तो जो भी पढ़ाई किया तो क्या? अरे पढ़ा नहीं गया, जो 70 साल में मैं भी हो गया हूँ, जो बताया गया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर हैं, और सतयुग द्वापर ऐसे करके जो है राम कृष्ण ऐसे आए। हाँ वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं बोल रहा, ब्रह्मा जी बोला। आप सुना ब्रह्मा जी, बाबा जी कंफ्यूजन है, सब लोग चुप इसलिए है। सुनिए हम इसीलिए बोल रहे, हम तो इसीलिए बोल रहा, तुम बोलो छेड़छाड़ करो ना। तो ब्रह्मा जी क्या बोला उनका ब्रह्म संहिता में? रामादि मूर्ति ऋषि कला नियमे नतिष्ठान नाना अवतारम अकरदो भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं सम भवत परम पुमानज गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। राम निशिंह वामन मत्स्य कुर्म वराह जितना अंशावतार कलावतार गुणावतार और सब गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु माता गुणावतार भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का रजगुण अवतार ब्रह्मा, भगवान कृष्ण का तमगुण अवतार शिव, भगवान कृष्ण का सत्यगुण अवतार विष्णु, ऐसा ही शास्त्र में लिखा है। दुनिया क्या बोल रहा हो हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। महामुनि वेदव्यास जो बोला वही शास्त्र है। और पूरा कहानी देखो ना, पूरा शास्त्र में जितना कहानी है ऐसा ही देखोगे। ब्रह्मा भगवान का नाम ले रहा, विष्णु सबको पाल पोष करने वाले, विष्णु का अंश कौन ना जो आत्मा परमात्मा रूपी वो कौन है? विष्णु है। नाम क्या? ना
नाम नाम क्या नशिरदाक्षाई महाविष्णु शिरदाक्षाई महा क्या बोला शिरदाक्षाई महाविष्णु नाम क्या बोला बोलिए ना शिरोदक्षाई महाविष्णु बोलिए ना शिरोदक्षाई महाविष्णु बोलिए ना सब शिरोदक्ष वही परमात्मा है। आप विश्वास करोगे कि नहीं हम तो आपके बोला अनापसनाप लोगों का कथा का विश्वास नहीं करना चाहिए। वो महाराज जी कहता है ना कृष्ण का दर्शन करने के लिए विष्णु जो सुनिए तो रमादि मूर्तिर्ष कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार मकरद भुवनेश किंतु भुवन में हर एक प्रकार अवतार है वो सब अवतार है। भगवान कृष्ण का रजगुण अवतार ब्रह्मा भगवान कृष्ण का सत्यगुण अवतार विष्णु भगवान कृष्ण का तमगुण अवतार शिव भगवान कृष्ण का कलावतार नारद भगवान कृष्ण का कलावतार कपिल देव भगवान कृष्ण का शंखावतार शंखावतार कौन वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और विष्णु का अंशावतार कौन मत्स्य कूर्म वराह ये सब मूल कृष्ण मूल भगवान कृष्ण ऐसा ही शास्त्र में बोला। हाँ परमेश्वर तो बोला था ब्रह्मा जी बोला बताया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इसके बाद क्या बोला कृष्ण स्वयं परम स्वयं कृष्ण स्वयं परम पद परम परम उपमान जो कृष्ण से सारी अवतार कलावतार अंशावतार गुणावतार युगावतार सब अवतार आया। ये ब्रह्मा जी बताया आप क्या बोले ब्रह्मा का कथा काट देगा तो होता देखो लोगों का जीव में कोई बैकबोन नहीं हड्डी है जीव में जैसा हिलाओगे उतना हिल जाएगा और कथा बोलने का कोई टैक्स नहीं लगता जो बोल देता लोग सुन लिया वही सब सुन लिया। तो आप तो 70 साल उम्र हमारा इतना साल उम्र नहीं लेकिन बचपन से ऐसा शास्त्रों में है और पढ़ाई भी किया ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं किया इसलिए बोल रहा हूँ हम शास्त्र पढ़ाई मत पहले तो हम स्कूल का पढ़ाई किया साथ साथ शास्त्र भी पढ़ाई किया। स्कूल में जो द्वापर के कृष्ण थे वो और जो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है दूसरी चीज है। द्वापर में कृष्ण जब जो जो असली कृष्ण जहाँ से पूरा सृष्टि हुआ जो सृष्टि करने का विचार लिया विष्णु को ब्रह्मा को शिव को सृष्टि जो अवतार लिया वो कृष्ण स्वयं भगवान वो कृष्ण वृंदावन में है और द्वापर में जो कृष्ण देखा वो द्वारका में है। वो कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में माने जो स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जन्म लेता। प्रश्न है कि ब्रह्मा का एक दिन मतलब क्या सत्य तेता दापर कली ये चार युग में होता एक चतुर्युग एकात्तर चतुर्युग में होता एक मनमंत्र 14 मनमंत्र है एक ब्रह्मा का दिन 14 मनमंत्र में सातवां मनमंत्र क्या 28 नंबर चतुर्युग में स्वयं भगवान कृष्ण का प्रकट होता और बाकी इसके अलावा जितना द्वापर युग में कृष्ण हुआ सब द्वारका कृष्ण अवतार कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसे इसलिए हम बोलने नहीं चाहता आम समाज के बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए तो ये जो है हाँ देखो तुम्हारा शादी हुआ तो
शादी करने के साथ ब्राह्मीण जो पंडित क्या मंत्र पढ़ा, वैवस्वत मनमंत्र में 28 नंबर अष्टमी चतुर्युग में बोला ना, वैवस्वत मनमंत्र अष्टमी से चतुर्युग ऐसा शब्द बोला कि तो सातवा मनमंत्र 28 नंबर चतुर्युग में आज चल रहा, आज जिन दिन चल रहा वो सातवा मनमंत्र 28 नंबर चतुर्युग ब्रह्मा का सातवा मनमंत्र, एक दिन का सातवा ब्रह्मा का भी हमारे 100 साल मर जाएगा उसके बाद। जो हमारा तो गला तो हम तो सही 6:30 बजे से चिल्लाना, हमारा गला भी और तेज नहीं। तो जो भी हो आपका कोई प्रश्न है तो हमारे पास प्रश्न दे सकता ईमेल में, हमारा ईमेल जो है मैं बता दूं इनका पास है, जो भी जो घर का बेटी है प्रीति उनके पास भी है तो पूछ लेना ईमेल, जितना प्रश्न आप भिजवा दो हमारा तो ज़्यादा ईमेल आता। हाँ तो अच्छा है, उसके बाद बात करने लगा अच्छा है, बात नहीं कर सकता तो हमको तो लिखना पड़ेगा, लेकिन हम तो हिंदी लिख नहीं सकता, हम सिर्फ अंग्रेजी लिख सकते, इंग्लिश हम लिख सकते, जो भी हो। जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह का भी, हाँ शंकराचार्य कौन है, शिव जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य। देखो पहले क्या हुआ, लोगों का विचार ऐसा था जंगल से जानवर को पकड़ के बोली चढ़ा दो अपना देवता देवी देवता के लिए, वो सबसे हमारा सब पुण्य होगा। ऐसा जब चढ़ाने लगे, जब देखा भगवान देखा हमारा तो पूरा जानवर का संपद बंद हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध रूप से आया, केशव अधीत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, बुद्ध भगवान आकार के प्रचार किया, अरे भगवान नहीं सब शून्यवाद, शून्यं शून्यं खलितं शून्यं सब शून्य, तुम किस लिए सब जानवर के काट काट के बोली चढ़ा रहा, कुछ भी नहीं शून्य का तुम ध्यान करो। उसके बाद जब देखा भगवान का कथा में विश्वास करके सब आम जनता ऐसा सब सोचने लगे भगवान नहीं, तो भगवान का इच्छा क्या, सबको उनका धाम में वापस लेने का। तब भगवान क्या किया, उनका श्रेष्ठ भक्त शिव जी को बोला तुम जैसे भी हो तो जा करके हमको प्रतिष्ठा करो सुन्न सुन्न जगह पे। तो आकर के क्या बोला, अरे कौन बोला भगवान नहीं, भगवान है, कौन भगवान, तुम भगवान, अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्मो तत्तमोऽसि, ये सब मतवाद प्रचार किया। तो भगवान उनका श्रेष्ठ भक्त शंकर जी को भिजवा दिया, उनका नाम हुआ शंकराचार्य। लेकिन आश्चर्य जो मौत है भक्तिवाद, आज शंकराचार्य का जो मौत है वो भक्ति नहीं वो मायावाद। जो सोच वो था लोगों का, वो सोच को बदलने के लिए वो किया, भगवान का कथा अनुसार किया। भज गोविंदम। और लास्ट में क्या बोला, आखिर में क्या बोला, भज गोविंदम मूलमते। बहुत श्लोक है शंकर जगत, बहुत श्लोक है मुख से निकला हुआ श्लोक, क्या श्लोक, ऐसे भी बोला शंकर, आहार निद्रा भय मैथुन च समन्नं इतरं, एक बोला खाना सोना आहार निद्रा भय मैथुन डरना और शरीर को सुख देना ए समन्नं इतरं, कौन बोला, शंकराचार्य बोला।
वो तो शंकर सी प्रणाम करते हम लोग, निंदा नहीं करते, लेकिन सच को सच बता। अब तो सारा दुनिया का कॉन्सेप्ट सुने, सारा दुनिया का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, और ऐसा ही लोग मूवी बनाता, ऐसा ही छोड़ता, कोई लोग शास्त्रों का अनुसार बात नहीं करते। ये दुनिया ऐसा ही हो गया, कलीजुग धोखा का दुनिया, धर्म में भी धोखा होगा, धोखा चल रहा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप काम करिए ना, श्रीमद् भागवतम लेकर के पढ़ लो, वृंदावन में श्रीमद् भागवतम है, ब्रह्मांड पुराण पढ़ लो, ब्रह्मांड पर नाम सुना कभी, ब्रह्मांड पुराण नाम सुना, ब्रह्म वैवर्त तो पुराण नाम सुना, ये सब किताब पढ़ लो तो पता चले जाएगा। गीता पढ़ लो, गीता में क्या बोला अर्जुन को, बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सारी धर्म मतलब क्या, जो तुम सोच बूझ कर हमारा रिश्तेदार है कैसे मारू, सब छोड़ो, हम जो बोल रहा हूं वही करो। बहुत प्रमाण है बाबा, हमारा गला थक गया थोड़ा, हाँ साढ़े छह बजे जाना, हम तो सोचा कि माइक लेगा, माइक आए, हाँ जो भी हो अभी तो ऐसा हो गया, तो हम कुछ गलती बोल दिया आपका सोच वो जैसे गलती बोला तो माफ कर देना, और सही बोला तो जिंदगी में पालन करना, वही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग निकलेगा। अभी तुम्हारा कोई महसूस नहीं होगा, बाद में महसूस होगा। हम जो बोला क्या बोला, हाँ जरूर पढ़ लेना, लेकिन सही सही जगह से किताब पब्लिश होना चाहिए। आम आदमी किताब पब्लिश करने से उल्टा सीधा लिख देता, कलीजुग सबसे सबके पास धोखा, विचार धोखा दिया। तो ऐसा है, थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, हमारा प्रभु जी यहाँ पे है, हमारा दामोदर प्रभु जी है, दामोदर प्रभु के साथ थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद